गोली 2 बॉक्स ऑफिस पर सर पर दौड़े जा रही है। तमाम फिल्मों को इसने मीलों पीछे छोड़ दिया है। हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो बाहुबली 2 के रिलीज होने के पूर्व दंगल के नाम से सर्वाधिक कलेक्शन करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड था। लगभग 387 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था। बाहुबली 2 ने ये रिकॉर्ड जोरदार तरीके से तोड़ा और अब इस फिल्म का हिंदी संस्करण 500 करोड़ के कलेक्शन के निकट है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1565 करोड़ रुपए 24 दिन में हो चुके हैं। इस तरह से ये सर्वाधिक कलेक्शन करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इसी बीच आमिर खान की दंगल को चीन में रिलीज किया गया। चीन में रिलीज होने के पूर्व दंगल के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 770 करोड़ रुपए के आसपास थे और बाहुबली 2 इससे मीलों आगे खड़ी थी। चीन में दंगल ने ऐसी कामयाबी हासिल की कि सभी लोग दंग रह गए। लगभग 730 करोड़ रुपए का कलेक्शन चीन से ही दंगल ने कर डाला। अब दंगल के कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1501 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये बाहुबली 2 से थोड़ा सा पीछे है। बाहुबली 2 की रफ्तार अब धीमी हो गई है और उसे देखते हुए लग रहा है कि कुछ ही दिनों में दंगल आगे निकल जाएगी। किसने सोचा था कि बाहुबली 2 से भी कोई आगे इतनी जल्दी निकल जाएगा। हालांकि बाहुबली 2 को अभी कुछ देशों में रिलीज किया जाना बाकी है, लिहाजा इन दोनों फिल्मों में अब आगे निकलने की होड़ चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल तो दंगल का आगे निकलना तय लग रहा है।